सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। गाइस आज की वीडियो में भाई जो हमने जीरा कबूतर खरीद के लाया था, ठीक है, जो आपके सामने गुटक रहा है, इसका पर खोलने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं उसको कैसे टिकाया जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट्स था कि भाई हम हाई फ्लायर कबूतर हमारे छत पे नहीं टिकते, अगर हाई फ्लायर कबूतर का जोड़ा लेके आते हैं तो उसको कैसे टिकाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। और गाइस जब मैंने इस कबूतर का प्राइस ये सब कुछ बताया था, ठीक है, तो आप में से कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई शायद उसी के पास से इस फीमेल को, जो इसके साथ वाली फ़ीमेल है, उसको लकवा लगा हो, ठीक है, वो झूठ बोल रहा हो। तो गाइस छोड़ो यार, जिसके नसीब में जो, अगर वो हमसे झूठ बोल रहा है सिर्फ कबूतर सेल करने के लिए, कोई वादा नहीं है भाई। हमारे पास अगर ठीक होती है तो ठीक है, जो उसको होना होगा वो हो जाएगा, हम लोग अभी भी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ठीक होना रहेगा तो हो जाएगी, और ठीक नहीं होना रहेगा, अगर आगे चल के ठीक नहीं होगी तो गाइस देखा जाएगा और इसके लिए दूसरा फीमेल ला देंगे, ठीक है। लेकिन भाई कुछ लोग जो हैं, एक तो मैं इसीलिए जो है, आप लोग पूछते हो भाई प्राइस बताओ प्राइस बताओ, मैं प्राइस भाई कोई भी कबूतर का नहीं बताता, पहले ही बोल देता हूँ भाई। जो कबूतर का प्राइस है वो देने वाले पे डिपेंड करता है और हर एक जगह का प्राइस अलग होता है। कोई ऐसा नहीं कि ये कबूतर है, ये नस्ल का कबूतर है तो उसका प्राइस फिक्स है भाई, वो देने वाले पे डिपेंड करता है, वो उसका चीज़ है, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो भाई जब मैंने एक कबूतर का बताया था आपको कि 1000 रुपीज़ का पेयर मुझे मिला है, तो आप में से भाई कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि भाई हमारे इधर ऐसा जोड़ा 300 रुपये का मिलता है, ठीक है, और ये कलसेरा कबूतर है भाई, मतलब कुछ भी। भाई सबसे पहली चीज़ तो लगता है आपको अभी तक ये नहीं पता कलसेरा कबूतर किसे कहा जाता है। मैं अभी आपको स्क्रीन पे फ़ोटो शो कर रहा हूँ, वो आप देखो, और ये जो आप बोल रहे हो ना कि इसे कलसेरा कहा जाता है, भाई इसको कलसेरा नहीं कहा जाता, इसको जीरा कहा जाता है। कुछ लोगों ने बोला था भाई हमारे इधर इसको कुछ भोपाल में कुछ अलग कहते हैं, तो हाँ भाई वो मैं मानता हूँ, ठीक है, वो मेरे को नाम नहीं याद है वो भाई ने क्या कमेंट में बताया था, लेकिन वो भाई जो मतलब कलसेरा कबूतर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कलसेरा कबूतर है, तो भाई मैं आपको बता दूं, और ये बिल्कुल मत समझना कि मैं आपको वीडियो में ट्रोल कर रहा हूं, भाई वीडियो में ट्रोल नहीं कर रहा हूं, आप गलत हो, इसलिए मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूं। इसे कलसेरा कबूतर नहीं कहा जाता, ठीक है, मैंने आपको स्क्रीन पे फोटो भी शो कर दिया, आप देख लो, इसे कलसेरा कबूतर कहा जाता है, ठीक है। और छाटे कलसेरा कबूतर अभी भी मेरे पास है, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखो। और गाइस जो एक आता है पूरे भरे गर्दन का कलसेरा, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, ये सबको कलसेरा कबूतर कहा जाता है, ठीक है। और गाइस कुछ लोगों का बोलना था भाई ये 300 रुपये का पेयर हमारे इधर मिलता है, तो भाई मैं ये नहीं बोलता कि 300 रुपीज़ में पेयर नहीं मिलेगा, भाई देने वाले पे डिपेंड करता है, क्या पता उसको कोई मजबूरी हो दे दे, लेकिन भाई 300 रुपये का है ना, इस कबूतर की प्राइस ही नहीं है। आप चाहे कहीं भी हो, और उससे मुझे कुछ वह भी नहीं है कि आपने बोल दिया, लेकिन मैं गाइस ऐसे बताना ज़रूरी होता है वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोगों को भाई फिर आपका कमेंट देख के वो लोग मिसगाइड भी हो सकते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज इस कबूतर का पर खोलेंगे और बताएंगे भी क्या क्या करना होता है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का कमेंट्स भी था कि भाई कैसे टिकाया जाता है हाई फ्लायर कबूतरों को अगर हम जोड़ा लेके आते हैं, तो वो सब कुछ दिखाने वाले हैं वीडियो में, पूरा एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो गाइस अभी फिलहाल आपको दिखाते हैं कबूतर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस ये देखो भाई, ये रहा हमारा जीरा कबूतर, ये देख लो, मैंने उसे तो इसका अच्छे से शौक कराया भी है, तो भी एक बार आंखों का शौक कर लो, ठीक है। और गाइस ये कबूतर भाई एकदम ओके, बहुत मस्त कबूतर है, इधर की भी आँख शौक कर लो। और गाइस अभी फ़िलहाल मैं आपको जो है इसके पंख देख लो, टेप मारा हुआ भाई, अभी तक हमने टेप नहीं खोला है, तो अभी इसका पहले सबसे पहले टेप खोलते हैं, देख लो दोनों साइड टेप मारा हुआ है, उसके बाद आपको कबूतर का जो कुंदे हैं वो भी अच्छे से दिखाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस ये देखो भाई कबूतर का हमने पर खोल दिया है, ठीक है, इसके कुंदे का शौक कराते हैं, ये देखो, ये देखो भाई ये कुछ इसके कुंदे। सो गाइस देख लो इसके कुंदे, इधर के भी कुंदे दिखा देते हैं, ठीक है भाई, अभी अभी टेप खोला है तो थोड़ा बहुत पर वो है, ठीक है। अब गाइस इसको छोड़ना है एकदम आराम से, ठीक है। अब गाइस हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई अभी जो है इसको ऊपर भी ना बैठाएं, ठीक है, ऐसा नहीं कि पर खोला तुरंत ऊपर बैठा दूँ, भाई 10-15 मिनट 20 मिनट इसको ऐसे ही घूमने देंगे, और दाना तो भाई बिल्कुल नहीं देना, ठीक है, इस समय पे कबूतर भूखा है, पानी रखा हुआ है, दाना बिल्कुल नहीं देना,
जब कबूतर अगर बाई चांस ऊपर बैठ जाता है तो थोड़ा सा दाना मारना है और नीचे बुला लेना है, ठीक है। और गाइस इतना हमेशा ध्यान रखना, जब कबूतर को आप बुलाते हो दाना पे, तो ये नहीं कि एक मुट्ठा दाना निकाला और छीट दिया कि कबूतर देख के आ जाए खाने के लिए। भाई वो आ तो जाएगा खाने के लिए, लेकिन उतना दाना वो खा के जब दोबारा जाएगा ना, तो फिर आप कितना भी दाना डालोगे वो नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, बहुत थोड़ा सा दाना लेना है और थोड़ा सा दाना मारना है और कबूतर को बुला लेना है। गाइस हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है कि उस समय हमें कबूतर को दाना खिलाना नहीं है, भाई हम दाना के दम पे, दाना के बलबूते पे कबूतर को बुला रहे हैं। तो बहुत थोड़ा सा दाना लेना और आवाज़ मार के आओ आओ करके दाना डाल देना, ठीक है, कबूतर आ जाएगा। ये जो गाइस हाई फ्लायर कबूतर होते हैं ना भाई, इनको छत पे बांध के रखने से सिर्फ ये नहीं टिकेंगे, छत पे आपने 15-20 दिन बांध के रखा, इसने आपका छत पहचान लिया। लेकिन गाइस अगर इसको मैं अभी भी उड़ा दूं और ये आसमान में चला जाए, तो भाई मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ ये कबूतर मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है भाई। हाई फ्लायर जो कबूतर होते हैं, चाहे कोई भी कबूतर मेरा तो मानना है, उनको छत पर बांध के या पर कैच में रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनको इलाका दिखाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने छत पे छतरी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पिजड़े लगा देते हैं, उसके अंदर कबूतर डाल के छतरी पे रख देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि भाई वो पूरा इलाका जो है देख ले। तो भाई ना हमारे हमने छतरी लगाया ना कुछ लगाया, उसका रीज़न ही क्योंकि हमारा छत ऊँचा है, हमें ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा छत के ऊपर दीवार पे अगर कबूतर बैठ गया तो उसको चारों तरफ का नज़ारा मिल जाएगा। सो गाइस कबूतर जो ऊपर नीचे करेगा तो उसको आदत हो जाएगा, उसका जो समझ जाएगा कि हाँ भाई मेरे उड़ के आना है, मुझे यहीं पे बैठना है, ठीक है। और कबूतर को, जो हाई फ्लायर कबूतर है ना, उसको जितना हो सके आप ऊंचाई जगह पे बैठाओ, आपके जो भी आप जहाँ कबूतर पालते हो उसकी जहाँ भी ऊंची जगह है वहाँ पे बैठाओ। कबूतर आराम से एक घंटा आधा घंटा बैठ के नज़र मार रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई। एक महीना डेढ़ महीना ऐसे कराओ, उसके बाद गाइस वो कबूतर आपके घर का इतना पक्का हो जाएगा भाई कि अगर वो कबूतर अकेले भी उड़ता है ना तो भी आप ही के पास उतरेगा। और कुछ लोग भाई गलती क्या करते हैं, हाई फ्लायर कबूतर खरीद के लाया, 20 दिन या फिर एक महीना रखा और गाइस पर खोला आज या फिर कल रहने दिया, फिर आज भी उड़ा देते भाई, जिस दिन पर खोला है ना उस दिन भी उड़ा देते और उनके कबूतर निकल जाते। और गाइस हाई फ्लायर कबूतर की एक बहुत बेकार खूबी होती है कि भाई ये अगर जैसे उड़ना अभी स्टार्ट किया है हाई फ्लायर कबूतर ने, तो आप फड़क देते रह जाओगे भाई, जल्दी नहीं बैठेगा। अगर नीचे रहेगा तो बैठ जाएगा, लेकिन गाइस अगर एक बार आसमान में चला गया ना तो नहीं बैठने वाला। इसकी बहुत बेकार आदत है भाई हाई फ्लायर कबूतरों में, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो आपको कोशिश करना है कि स्टार्टिंग के एक महीने कबूतर बिल्कुल ना उड़े, और अगर उड़ जाता है तो जैसे ही उड़ता है, जब कबूतर नीचे ही रहता है ना, तुरंत फड़क मारना है, कबूतर बैठाना है, ठीक है। कबूतर भाई फड़कना चाहिए, इधर उधर करे चलेगा, लेकिन कबूतर आसमान में नहीं जाना चाहिए। तो देखो गाइस अभी देखते हैं, अगर ये कबूतर अगर मान लो बाई चांस उड़ता है या फिर कहीं और भी जाता है तो हम लोग तुरंत फड़क दे के बुला लेंगे, ठीक है। और गाइस वैसे मेरे को लगता नहीं है भाई कि ये कबूतर जाएगा, क्योंकि ये फीमेल के पीछे पीछे घूम रहा है। तो आप लोगों का जो बस ये डाउट था कि भाई कैसे हाई फ्लायर कबूतर को सेट किया जाता है, तो भाई कुछ नहीं है, जैसे आप सिंपल कबूतर सेट करते हो ऐसे ही करना है। लेकिन बस ये होता है, जैसे लो फ्लायर कबूतर है वो भाई उड़ने लगा तो उसको आप फड़क देख के बैठा सकते हो, क्योंकि वो नीचे रहते हैं, ठीक है। लो फ्लायर में भी कुछ कुछ होते हैं जो बिंदी बन जाते हैं, वो जल्दी नहीं आते, लेकिन लो फ्लायर थोड़ा धीमे भाई ऊपर जाता है। और जो हाई फ्लायर है ना वो 5 मिनट भी नहीं लेता भाई, 2 मिनट के अंदर आसमान पकड़ लेता है कबूतर, अगर उसको ना रोका जाए तो। तो गाइस हाई फ्लायर कबूतर अगर आप लेके आते हो, आपने पर खोल दिया, 15 दिन से वो कबूतर फड़क रहा है और वो बाई चांस उड़ गया, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इसको उड़ने देते हैं आज। गाइस तुरंत उसकी फीमेल से चाहे कैसे भी करके फड़क दो और कबूतर को बैठा दो, ठीक है। और जब गाइस ऐसे ही कबूतर फड़क लेता रहेगा, इधर उधर करता रहेगा, तो एक महीने बाद भाई उड़ाना, कबूतर आपका पूरा इलाका देख चुका होगा, वो आसमान बंद भी होता है तो भी वो आपके पास ही आएगा, ठीक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस अभी कुछ टाइम हो गया है, ठीक है, 20 मिनट के लगभग हो गया है कबूतर का पर खोले, और कबूतर को बीच में जो है हमने ऊपर भी बैठाया था, लेकिन भाई ये तुरंत नीचे आ जा रहा था, ठीक है। अभी देखो आपके सामने भी बैठाते हैं गाइस, क्योंकि ये कबूतर जो है ना फीमेल के पीछे पीछे ज़्यादा घूम रहा है, इसीलिए हमने इसका पर भी बहुत जल्दी खोल दिया, क्योंकि भाई जो कबूतर इतना मस्ती में रहते हैं, इतना फीमेल के पीछे रहते हैं ना, तो अगर उनकी फीमेल हमारे पास रहेगी तो भाई वो कबूतर जल्दी नहीं जाते, ठीक है। तो ये देख सकते हो भाई ऊपर बैठा है, ये तुरंत फीमेल के पास। सो गाइस अभी क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले इसकी फीमेल को पकड़ेंगे और इसकी फीमेल को लॉफ्ट के अंदर छोड़ देंगे और इसको ऊपर नीचे कराएंगे। अगर ये बाई चांस कहीं निकलता है चाहे कुछ भी, तो फीमेल को बाहर निकाल दिया जाएगा।
ये देख सकते हो भाई, ये मतलब थोड़ा भी नहीं बैठ रहा भाई, तुरंत नीचे उतर आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना फीमेल को ही वो कर देते हैं। गाइस आपको भी ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका कबूतर भी इतना, मतलब आप भाई फीमेल को अंदर या फिर छुपाना मत, क्योंकि हमारे पास तो देखो कबूतर है और हमें थोड़ा पता भी है कि कैसे कबूतर को सेट किया जाता है। अगर बाई चांस कबूतर उठ भी जाता है तो भाई हम लोग फड़क दे के कबूतर में घुमा के उसको बैठा लेंगे, लेकिन आप लोग शायद ना कर पाओ, इसलिए बोल रहा हूँ फीमेल को बाहर ही रहने देना कि वो फीमेल को देख के जाए ना। और गाइस ये अच्छी भी चीज़ है कि आप ऊपर करते हो और ये तुरंत नीचे आ जा रहा है, इससे भाई इसको आदत हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी फीमेल को पकड़ते हैं और ले चलते हैं। ये रही भाई फीमेल, पकड़ लिया हमने और डाल दिया लॉफ्ट के अंदर, ठीक है। तो गाइस इसका गेट बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ऊपर नीचे कराएंगे। गाइस बस ये चीज़ ध्यान देना है भाई, ऊपर नीचे कराओ लेकिन अगर कबूतर उठता है गलती से तो तुरंत बैठा लेना है, ठीक है। वो देखो भाई फीमेल अंदर है और मेल जो है वो बाहर है। देखो दिखाते हैं मेल को अब, ये देखो भाई ये आया नीचे, ठीक है। सो गाइस अभी जो है कबूतर को ऊपर नीचे कराएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहले क्या है फीमेल बाहर थी तो तुरंत ऊपर करते और नीचे आता तो फिर से ऊपर कर देते, लेकिन गाइस अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर कबूतर नीचे आता है तो उसको थोड़ी देर नीचे बैठने देंगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। या फिर अगर कबूतर नहीं आता है तो थोड़ा सा दाना मार के बुला लिया जाएगा। वैसे गाइस ये कबूतर काफ़ी अच्छा है, अपने आप आ जा रहा है छत के ऊपर, छत पहचान चुका है। देखो भाई अभी फीमेल रहती ना तो ये डायरेक्ट नीचे बैठता है, लेकिन हमने फीमेल अंदर रख दिया है तो देखो वहाँ पे जाके बैठा। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर बैठने देना है, पूरा इलाका देखने देना है। बस यही ध्यान देना है भाई, अगर कबूतर उड़ता है तो उसको कैसे भी करके नीचे बैठा लो, ठीक है। और गाइस आप लोग बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि फीमेल को अंदर रख दूँ या छुपा दूँ कि मेल ऊपर नीचे करे। गाइस इससे होगा क्या, अगर कबूतर उठ गया ना तो आप लोग शायद बैठा ना पाओ। हम लोग तो भाई अगर उठ भी जाता है नहीं भी आता है तो हम लोग को उतना मतलब ऐसा नहीं होता कि चला गया चला गया, हम लोग को भाई ऐसा रहता है कि चला गया तो चला गया, ठीक है। वैसे गाइस मुझे पता है भाई ये कबूतर नहीं जाने वाला है। A few moments later. So guys, अभी देख सकते हो भाई कबूतर उड़ गया था तो हमने तुरंत फड़क देना चालू कर दिया और उस समय वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि भाई अगर वीडियो स्टार्ट करते तब तक ये दूर निकल जाता, ठीक है। तो पहले इसको बैठाया, ये वहाँ पे जाके बैठ गया, ठीक है। तो देखते हैं फड़क दे रहे हैं, यहाँ पे आता है तब वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा। A few moments later. So guys, अभी आप देख सकते हो भाई कबूतर यहाँ पे आके बैठ चुका है और हम लोग उसकी फीमेल को भी निकाल दिए थे। गाइस ये आ ही नहीं रहा था तो हमने इसके ऊपर रख दिया और ध्यान दे रहे थे कि ये गिरे ना, ठीक है। अभी नीचे कर देते हैं, यहाँ पे आके बैठ चुका है तो गाइस देखो अभी ये फीमेल के पीछे तुरंत आ जाएगा। भाई वहाँ से ये आ ही नहीं रहा था तो हमको इसको फीमेल दिखाना पड़ा तब ये आया, ये देखें। सो गाइस इसी तरीके से करना होता है, अगर बाई चांस कबूतर कहीं और जाके बैठ जाता है तो आपको भाई घबराना नहीं है, कबूतर को हल्का फड़क देना है या फिर उसकी फीमेल दिखाना है, थोड़ा आवाज़ मारो दाना मारो कबूतर आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस ऐसे ही कबूतर को टिकाना होता है, चाहे हाई फ्लायर हो या लो फ्लायर हो, ठीक है, ये प्योर हाई फ्लायर कबूतर है। A few moments later. सो गाइस मैंने आपको ये तो बता दिया भाई कैसे हाई फ्लायर कबूतर को या कोई भी कबूतर को सेट किया जाता है, लेकिन आप लोग का और एक लास्ट कमेंट होता है कि भाई कबूतर को हमने ऊपर नीचे करा दिया लेकिन वो कबूतर को जब लॉफ्ट में जाने का समय होता है तो भाई वो लॉफ्ट में नहीं जाता, ठीक है। गाइस अभी देख सकते हो भाई मेरे सारे कबूतर कब से अंदर जा चुके हैं, ठीक है। मैं इसको अभी दाना पानी करा रहा था और जो इसकी मेडिसिन है वो दे रहा था जीपीओ की। सो गाइस मेरे देख लो एक भी कबूतर जो है वो बाहर नहीं है, सारे के सारे लॉफ्ट के अंदर जा चुके हैं। और मैंने ऐसा नहीं कि भाई मैं लॉफ्ट का दरवाज़ा बंद किया है, आप देख सकते हो लॉफ्ट का दरवाज़ा भी खुला है लेकिन कोई भी कबूतर बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो गाइस ये होता है भाई टाइम, इन लोगों को आदत हो गया कि हाँ मुझे अब इस समय पर अंदर जाना है, मतलब जाना है। दाना भी गाइस देख सकते हो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, ये देखो कि गाइस कबूतरों ने पेट भर दाना खा लिया है, वो लोग एकदम वो हो चुके हैं। गाइस मैं पूरा कबूतरों को दाना देता हूँ भाई, थोड़ा बहुत दाना बच ही जाता है, ठीक है। देख सकते हो सारे कबूतर, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कबूतर बाहर आ जाए। और गाइस मैं इनसे इतना दूर बैठा हूँ, सिर्फ यही एक जोड़ी है जो बाहर बैठी है और गाइस उसमें भी ये बीमार है और ऊपर से दोनों नए कबूतर हैं। तो देखो भाई सबसे पहली चीज़ तो अगर कबूतर फीमेल के पीछे घूम रहा है तो फीमेल को शांति से ले जाओ और उसके लॉफ्ट में रख दो। देखो जैसे कि रुक जा, इसको गाइस हम इसके लॉफ्ट में रख देंगे और ये जो है रुको
मेल जो है भाई इसके पीछे पीछे खुद आ जाएगा। और गाइस जो कबूतर अपनी फीमेल के पीछे ना घूमे उसके लिए क्या काम करो, उसे जो है पेट भर दाना छत के ऊपर मत दो, आधा ही दाना दो छत के ऊपर, और जो ज़्यादा दाना उसको लॉफ्ट में दो, लॉफ्ट के अंदर वो दाना खाने के लिए आ जाएगा तब बंद कर देना। या फिर अगर दाना आपने छत पे दे दिया तो भाई पानी मत दो, पानी लॉफ्ट के अंदर दे दो, कबूतर प्यासा रहेगा पानी पीने के लिए लॉफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। और गाइस जब ऐसे ही कुछ दिन हो जाएगा तो आप कोई भी चीज़ करो भाई, वो सब कुछ जो है छत पे करा सकते हो, दाना पानी पेट भर, लेकिन वो अपने आप चला जाएगा। ये देखो भाई ये कबूतर को, गाइस ये अपनी फीमेल के पीछे पीछे घूमता है, इसीलिए हमने दाना पानी सब कुछ जो है इसको यहीं पे करा दिया है, ठीक है। और देखो ये अपने आप चला गया। गाइस आपके पास अगर कबूतर रहता है भाई, मेरे पास देखो इतने सारे कबूतर हैं जो पक्के हैं, उनको पता है कब अंदर जाना है कब बाहर जाना है, तो भाई अगर ये फीमेल मैं ना भी करूं तो भी मैं इसको धीमे धीमे करके अंदर ले जा सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का कुछ कमेंट था कि भाई अंदर नहीं जाते, इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर कबूतर अंदर नहीं जाते तो उन्हें 15-20 दिन उनको दाना जो है थोड़ा थोड़ा लॉफ्ट में दो कि वो दाना खाने के लिए अंदर जाए, और उन्हें पता रहे कि हाँ भाई अभी हमें जो दाना है अंदर मिलेगा, अब हमें अंदर जाना है, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो भाई आप हमें इंस्टा पे बता सकते हो, इंस्टा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, और सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर उसको भी जाके फॉलो करना चाहो सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।